शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं इस महल से नहीं भागूंगी। इस महल से, अपने भाग्य से, अपने धर्म और कर्तव्य से मैं अब नहीं भागूंगी। ये लड़की अब मेरे रास्ते का पत्थर बन चुकी है। फिर उसे बुलाओ जो पत्थर को मोम और मोम को पत्थर बना देता है, जो हर औरत के हृदय की गति बढ़ा देता है। उसके पास आते ही सांसें रुक जाती है। कौन? तेरा प्रेमी। पर क्या हर बार की तरह इस बार भी काम निकाल कर वापस भेज देना अपने उस प्रेमी दावंश को। देखा कनक, महल में इतने सारे काम है और इसे देखो, कामचोर दासी बस घूमती रहती है। अब देख क्या रही है, चल। अब इस कक्ष का द्वार इसके काम खत्म होने के बाद ही खुलेगा। हे अम्बे माँ, मुझे इन दुष्टों से लड़ने की शक्ति देना। अग्नि की जलन से तो बच गई थी, अब देखती हूँ मिर्ची की जलन से कैसे बचती है वो। और ये खबर सुनकर उस डाकनी के हृदय की जलन भी मिट जाएगी। चल।
जैसे हिरन कस्तूरी को ढूंढता है, वैसे तुम मुझे ढूंढ रही हो। लेकिन मैं तो तुम्हारे पास, तुम्हारे बिल्कुल पास मेरी चंद्रा है। वापिस आ गई, इसका मतलब मुझे अब इस लड़के की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग जाओ, मैं जल्दी आता हूं। क्या हुआ स्वराज? वो तुमको अपने घर जाना था ना, तो तुम जाओ अकेले। हाँ, वो मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बहुत परेशान किया ना तुमने हमें, सुने ना, अब हम तुम्हें करते हैं। और सोच अधिराज, कैसे 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 कैसे, हाँ, अस्वस्थ होने का अभिनय करते हैं। हाँ। सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं पर अभी तक नहीं आई। चिंता ही नहीं ऐसे हमारी, अगली बार जंगल में ले जाकर शेर के सामने छोड़ेंगे, तब समझ में आएगा। पता नहीं क्या समझती अपने आप को एक घमंडी लड़की। आंखों में वही क्रोध, होठों पे वही अंगारे, वही बला की खूबसूरती, वही लुभाने वाली अदा, और वही मेरी चंद्रा। चंद्रलेखा, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी चंद्रा ही रहोगी। ये तो सिर्फ एक जीव है, अगर हवा का झोंका भी तुम्हें परेशान करे तो उसे भी मैं गतिहीन कर दूंगा। जानती हूं, इसलिए तो यहां मिलने आई हूं तुमसे। परसों बाद मुझसे मिलने आई हो, वो भी एक कारण के साथ। मुझे लगा तो मेरी याद तुम्हें यहां खींच लाई है। सच कहा तुमने, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। तुम्हारी भी और तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों की भी। हे अंबे मां, स्वर्ण नानी से बचा लेना। तारा,
नानी कहाँ थे तुम रात भर? नानी वो मैं ना रहने दो। रात भर बाहर रहकर तुम एक भूल कर चुकी हो, अब मैं नहीं चाहती कि झूठ बोलकर तुम एक और पाप करो, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो कि नहीं। मुझे यहाँ से निकलना है, हे अम्मे माँ मेरी मदद करो। कौन है अंदर? ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? वो बस आ रहे थे। वाह, इतने सारे मसाले तुम अकेली तैयार करोगी? खुद की हालत देखी है तुमने? तुम चलो यहाँ से, और भी दासियां वो कर लेंगी। तुम निकलो यहाँ से। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, तो ये जा कहाँ रही है? रानी माँ का आदेश है कि काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर। ओहो, 2 घंटों में? फिर तो इस काम को बहुत जल्दी करना पड़ेगा। नहीं, पर होगा कैसे? कनक, तुम खुद क्यों नहीं कर लेती हो इस काम को? अब मतलब हम इस दासी को अपने काम से लेके जा रहे हैं, और तुम तो जानती हो कि माँ हमसे कितना प्यार करती है, मतलब उन्हें खुद से ज्यादा चिंता हमारी रहती है, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने इसे हमारे काम से जाने से रोका तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। और हम नहीं चाहते कनक कि मां तुमसे क्रोधित हो। और तुम यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ये हाथ मुंह धो और हमारी सेवा में लग जाओ। चलो। कोई बात नहीं कनक, इन छोटी छोटी हार से कभी हार मत मानना, बल्कि इससे सीख लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। फिर देखना, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर माँ वो लड़की? कनक तो चिंता मत कर, दावंश आ रहा है, फिर देखना वो इस लड़की का क्या हाल करता है। पुरानी बातों को भुला दो ना दांश, गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी हुई। पर तुम्हें क्या लगा कि इतने वर्षों बाद मेरा तुम्हारे लिए प्यार कम हो गया? नहीं दांश, कभी नहीं, तुम मेरे हृदय में सांसों की तरह बसते हो और मैं तुम्हारे हृदय में धड़कन की तरह, और यही सच है। सच तो ये है कि जब भी तुम्हारी प्यार भरी
चाशनी से भरी हुई बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने मदिरा पान कर लिया है, अपना आपा खो देता हूँ, सिर्फ तुम्हारा हो जाता हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो दांश, सिर्फ मेरे हमेशा। अब कहो किसने हमारी जान को परेशान किया है? इस मिर्ची की जलन से बचने का उपाय है हमारे पास। पानी की ठंडक, हाँ ठीक है। अब बताओ क्यों ढूंढ रहे थे मुझे, क्या काम था मेरा? ढूंढ रहा था तुम्हें कब? भी थोड़ी देर पहले। पर मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगा? अच्छा, तो उस दिन भी नहीं ढूंढ रहे थे जंगल में, जब जंगली जानवर से बचाया था मुझे? अच्छा, उस दिन नहीं 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 नहीं, अब मतलब मैं ढूंढ तो रहा था पर अपने शिकार को। अब जंगल में हम शिकार करने गए थे ना, तुम्हें ढूंढने नहीं। और आज भी मुझे पानी चाहिए था, पर तुम तो दासी हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब हमें जल चाहिए और कब भोजन। जाओ, जाकर हमारे लिए जल लेकर के आओ। माफ कीजिएगा राजा साहब, पर जो आपने मुझ पर डाला वो क्या था? मुझे तो वो पानी ही लगा। हाँ, पानी, पर हमें और पानी चाहिए था। जाओ जाकर हमारे लिए पानी लेकर के आओ, जाओ। जी राजा साहब। हाँ। मुझे अदराज से उनके माता पिता के बारे में बात करनी चाहिए, हो सकता है ये उनके बारे में और जानना चाहे और फिर इन्हें इनकी असली माँ से मिलवाना आसान हो जाए। क्या देख रही हो इसे? यही कि तुम अपने पिताजी जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। राजा साहब तो बहुत उदार, परोपकारी और शीतल स्वभाव के इंसान थे, और तुम्हें देखो हर समय नाक पर गुस्सा रहता है। राजा साहब का एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या तुम जानते हो हमारे पिताजी को? कौन नहीं जानता उनके बारे में, बस तुम्हें छोड़कर। वैसे मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, पर मेरी नानी हमेशा कहती है कि राजा साहब जैसा दयालु इंसान और कोई है ही नहीं इस धरती पर। प्रजा से बात करना, उनके दर्द को समझना, यहां तक कि उनके कष्ट दूर करना, यही तो काम था उनका। पर तुम्हें तो मैंने बस शिकार करते देखा है, प्रजा से बात करते नहीं। हमारे पिताजी सबसे बात करते थे प्रजा से। तुम चुप क्यों हो गई सुनैना? तुम चुप क्यों? और कुछ बताओ ना हमें पिताजी के बारे में। अब मुझे ज्यादा तो नहीं पता उनके बारे में, पर हाँ, नानी उनके बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। अगर तुम चाहो तो हम नानी के पास जाकर राजा साहिब की बहुत सारी बातें जान सकते हैं। जाना चाहते हो नानी के पास? जानना चाहते हो अपने पिताजी के बारे में? बोलो। है एक लड़की सुनैना, उस अधिराज ने जबरदस्ती उससे विवाह किया और उसे महल में उठाकर ले आया। अधिराज, तुम्हारे नाम का बेटा? हाँ वही। और उस लड़की के महल में आते ही मेरे हर कार्य में विघ्न पड़ने लगा। तांश, मुझे उस लड़की ने बहुत परेशान किया है। उसे मारने की कई असफल कोशिशें कर चुकी हूँ मैं,
पर मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे। सुनैना, नाम में कुछ बात तो है, पर अब तुम अपने चांद से चेहरे से इस चिंता की लकीर हटा दो, समझो तुम्हारा काम हो गया। सच? लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पे तुम्हें अपनी शर्त बताऊंगा और तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें भी पत्थर की मूरत बना दूंगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। एक काम करो, तुम सोच लो, मुझे काम है, मैं जा रही हूं। सुने ना, हमें बताओ ना, तुम्हारी नानी और क्या कहती है हमारे पिताजी के बारे में? बता तो दिया, अब कुछ याद आएगा तो फिर से बता दूंगी, अभी मुझे जाने दो। सुने ना, हमें वंश आपके पिताजी के सबसे अच्छे मित्र। राजा साहब के मित्र? पर वो बाहर से अंदर कैसे आए इस महल में? बाहर से तो ये महल अदृश्य है, तो क्या ये डाकिनी की सच्चाई के बारे में जानता है?